और बाकी यहाँ पर इसका बिल लिखा हुआ 1 किलो 500 ग्राम के एमआरपी देगी 499 रुपए। तो बाकी आधे पौन घंटे में सामान पहुँच जाएगा और फिर करते हैं ऊपर वाला काम शुरू। अब हमारी बची हुई आगे वाली केवल एक और भी टाइम हो गया 9:31 और आज जाना था जल्दी लेकिन लगी हुई बाहर बारिश। तो जैसे देख रहे लगी बाहर बारिश है। तो आज जो छत वाला काम था वहाँ पर जो हमारा सामान जो थोड़ा कम हुआ वो मंगवाना था तो उसकी लिस्ट बन रही है और बाकी खाना खाकर चलते हैं साइट पर। और वहाँ से जो मेजरमेंट थोड़ी सी करनी है कि थोड़ा सा एक्सटेंशन जो बढ़ानी है उसके लिए बातचीत करनी है और फिर करेंगे सामान के लिए कॉल, सामान वहाँ से भेज देगा। बाकी बारिश रुकेगी तो हमारा वहाँ पर काम ये है कि अंदर वाला जो ई बोर्ड लगना है फेसिया उसका काम हम कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले खाते हैं खाना। तो आज बनी हुई खाने में मकंद बड़ी और आलू गर्म गर्म खाना खाते हैं और फिर चलते हैं सीधा साइट पर। तो फाइनली पहुंच गए जहां पर और जो सामान था वो सारा सामान का बिट करवा के पेमेंट करके आ गए हैं। तो साथ में लेकर आए एक पैकेट डाटा का, उसको करके चेक कर क्योंकि इसकी जो बोल्ट चाहिए इसको बढ़िया वोल्टेज तो उसको चेक कर लेंगे, अगर चल पड़ेगा तो फिर वो उठा लेंगे। बाकी इसकी जो थिकनेस है वो है भाई ये डब्बा जो है इस पैकेट का अगर बल्ट बताऊँ आपको मैं तो 290/350 mm और इसका नेट वेट जो है भाई 2 किलो 300 ग्राम 2 किलो 300 ग्राम वेट काफ़ी हैवी में है। और ये वाला जो है और इसका वेट लिखा हुआ उन्होंने 1.500 और ये वाला आपका डब्बा हो गया। और ये डब्बा पड़ेगा आपको 300 रुपये का, उसकी एम आर पी दी गई है भाई 499 रुपये की। आप जब यूज़ करते हैं फिर देखते हैं इसको बस क्या पौन घंटे में सामान पहुंच जाएगा और फिर करते हैं ऊपर वाला काम शुरू। अब हमारी बची हुई आगे वाली केवल एक बनी इस तरफ जहाँ पर बनेगी केवल और ये वाला तो हमारा कंप्लीट है ही होगा। तो अभी चेक कर लेंगे टाटा का बिल्डिंग लोड, उसको चेक करना उसके वोल्टेज के हिसाब से कौन सा लगता बढ़िया लग रहा है वाला। तो रूट तो बहुत ही बढ़िया है ये टाटा का, फाइनली पीछे गर्म गर्म चाय। और बाकी आप बताइए टाटा का जो इलेक्ट्रिक रोड है काफ़ी बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस थी और अब टाटा का ये रोड यूज़ करेंगे जैसे अगर। तो फाइनली आ गया सामान भी कि ये भाई ऊपर तरपाल बांधी हमने, यहाँ नीचे बेल्ट वगैरह रखा होता है तो रात को जैसे तेज़ बारिश हुई है तो कम से कम ये टूल नहीं बहना चाहिए भाई, अगर सेट बिक गया तो सारा काम डिस्टर्ब हो जाएगा इस चक्कर में। पहली बात में हमने ये तरपाल बांध दिया था शाम को ही और बाकी सामान उतरता है तो उसके बाद फिर करते हैं जो इसमें फिलिंग का वाला काम जो हमारा बचा हुआ है इस तरफ डालने पर लेना और ये वाले डालने पर लेने तो इसको कर देंगे कम्प्लीट। फाइनली माल चढ़ा लिया ऊपर, नीचे से चढ़ाया हमने यहाँ इस लेंटर तक यहाँ तक ये पड़ा हुआ माल। और बाकी लोग आ जाएंगे इस तरफ के पर्नल और बाकी सामान में चढ़ा लिया था ये वाला सारा ऊपर जो हमें चाहिए। बाकी इस तरफ के जो पर्न है वो डाल के हो गए कम्प्लीट। अब डालते हैं इस तरफ वाले पर्लिन
यहाँ पर डलेंगे हमारे, एक परमल डलेगा बीच में और तीन परमल डलने इसमें। तो ये करते काम शुरू, फिर बाकी इसमें भी डलने अभी परमल। यहाँ कट पीस डलेंगे ये वाले कॉर्नर, ये वाले यहाँ पर बीज निकलेगा यहाँ पर पानी के लिए। तो लगते पहले कंप्लीट आगे वाले जो सामने वाले, ये वाले एक डलेगा इसमें, तीन आएंगे इस तरफ, यहाँ पर ज्वाइंट में आएंगे ये वाले पीस। तो ये करते कंप्लीट पहले। टाइम हो गया लगभग 8:15 का टाइम है अभी, सच में भाई 8:15 हो गया है। पूरी शर्ट ले चलते हैं, काफ़ी गंदी हो गई है एक्चुअली, क्या पूरे दिन पसीना पड़ता है ना, सारी गिल्ली अभी इस टाइम। वेलकम अगेन गाइस, तो आपका स्वागत है इस नए ब्लॉग में। यहाँ से करते हैं उसकी ब्लॉग की शुरुआत। और जैसा कि पिछले दिन जो हमारा ऊपर परलिन वाला काम था, ये दोनों तरफ से हो गया कम्प्लीट। ऊपर वाली सारी जो बिचियाँ वगैरह हैं बिगटर वाली, सारी कम्प्लीट ब्रिज यहाँ पर आने। अब यहाँ पर बनाए जाएंगे हमारी एक्सटेंशन, ये आगे वाली एक्सटेंशन है। तो ये भी आ रही है आगे, 3-3 फुट आगे आ गई इसके आगे शीट, और ये वाली एक्सटेंशन इस तरह से दी जाएगी। ये वाली यहाँ पर एक्सटेंशन आएगी और यहाँ सामने भी, यहाँ पर इस तरह उसकी जेल बनेगी हम नीचे, लेकिन उसके चक्कर में क्या हो रहा कि फेस इस तरफ, और बारिश की जो है ज़्यादा गिरने की संभावना थी अंदर, तो यहाँ पर भी सिर्फ सिंपल एक्सटेंशन दे देंगे इसी स्लोप में, और इसी स्लोप में यहाँ अभी तक इस बालकनी को पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ से शीट जा रही है सेंटर से, लगभग 6 फुट की शीट आएगी यहाँ पर। अब जितना छोटा जो ऊपर बड़ा हुआ हाउस रूम का, उतना ही नीचे आएगा एक बराबर, सारा निकाल दिया बीच में से पाइपें वगैरह। अब देखो यहाँ से कितना बड़ा रहा है, एक ये आगे तक 22 फुट लंबा कमरा बन रहा है अंदर, ये वाला 22 फुट बाई 14 फुट ये वाला इस तरह से। और ये भी पूरा यूज होगा इनका, और यहाँ पर तो ये ओपन एरिया ही है, ये वाला पूरा ही, ये सारा ओपन एरिया आएगा यहाँ पर। अब जब एक्सटेंशन बनने के बाद यहाँ पर डिक वर्क होगा, ताकि पानी की जो बोछार वगैरह वो अंदर ना गिरे, सारी शीट पर गिरे और बाहर गिरे जाकर सारी। जैसे कि आपको बताया गया था कि बना रहे हैं आज एक्सटेंशन है, तो ये वाली एक्सटेंशन कंप्लीट होगी हमारी, ये 3 फुट बढ़ गई आगे ये यहाँ पर, इसके आगे लग जाएगा फेसिया और शीट जब डल जाएगी। बाकी ये भी आगे एक्सटेंशन अब बना रहे हैं ये वाली, और जो पिच वर्क रहेगी 3-3 फुट की, और यहाँ पर लेंगे आगे 6 फुट शीट, क्योंकि आगे जो रखी हुई बोल रही थी, तो इसके चक्कर में करना पड़ेगा 6 फुट आगे तक का। तो ये आ गया राफ्टर, और ये आ गया राफ्टर, इसमें डाले जाएंगे 2 परलिन, लेकिन उससे पहले नीचे पिलर देने और राफ्टर देना, नीचे भी पिलर और बीम, इसको करेंगे कंप्लीट आकर। और बारिश का बना हुआ तगड़े वाला मोड़ भाई बारिश का, तो इसके लिए मैं ऐसा करते हैं कि अपने जो सामान के सारा फिर बैठ दिए तरपाल में, और चलते खाना खाने। फाइनली पहुँच गया फिर, आज बने हुए कड़ी चावल। बाकी बाहर जो बारिश का तगड़ा बना हुआ मॉल भाई, बाकी देखते क्या बनता आगे। पिलर और एक्सटेंशन करनी कंप्लीट कर ले, वो करते काम। तो ये बढ़ाई हमने एक्सटेंशन आगे, ये आगे और एक जा रही है पोस्टर। अब इसके नीचे डलेगा टाइबीम, उसके लिए देंगे हम पिलर, सॉरी टाइबीम क्रीम देंगे, पाइप 3.5 का बत्ता, और साथ में खड़ा उसके नीचे आ जाएगा, साथ में बेल्ट वगैरह लिंक के साथ 4x4 का पिलर। तो ये इस पिलर के सामने देंगे पिलर, और वहाँ पर देंगे इस पिलर के सामने, और बीच में 2 राफ्टर डाल देंगे और 3.5 के, और फिर ऊपर से डाल देंगे 3 परलिन, फिर जाके जो कंप्लीट होगा। तो चलते ऊपर, ये करते हैं काम पहले, और एक नीचे लगा रहा है डंगा, तो उसमें 2 एंगल हुए काम, वो देने काट के पहले। तगड़ा ख़राब है मौसम पूरे तरीके से, बस यार ये काम निकल जाए हमारे, यार ये काम ना रुके बस। और बारिश की तो पूरी संभावना बनी हुई तगड़े तरीके से, और बाकी हमारी यहाँ तक का एक्सटेंशन क्लियर है। अब इसके नीचे डालना बत्ता, उन्होंने उसका साइज ले लिया मैंने, तो ये वाला बत्ता काटते हैं 3.5 का एक,
तो ये आगे पाइप मारा 3 डेढ़ का। तो काट लिया स्किन करेंगे 4x4 के पिल्लर काट जा रहे हैं। तो जो पिल्लर को लेके भाई उठा के लेके भाई इसको लात लाते हैं ना भाई, क्या बताऊं मैं, सीने निकल के इसको लात लाते यहाँ तक सामान टकना पड़ गया। फिर से तगड़े तरीके से आ गई बारिश, तगड़े तरीके से बारिश हो गई शुरू। हमने तो पटाला हुआ तरपाल वाला ऊपर, तो नीचे देखिए पूरा सामान आ गया सारा ही। अब चलते नीचे और एक्सटेंशन वाला काम तो हमारा हो गया। अब बाहर तो होगी भाई तगड़े वाले बारिश में, बारिश जो अब पहुंच गई 5:30 बजे और हमारा काम फिर से रुक गया सारा। एक्सटेंशन हमारी की बनी है, अभी पिलर काट के लेके आए या खड़े करने थे लेकिन काम रुक गया ये वाला हमारा। बाहर के पड़ा सामान हमारा, चलो ये सामान यहाँ पर कर लेते हैं। तो अब हमारी प्लानिंग ये है कि छोटा सेट लगाएंगे हम यहाँ पर, कटर हमने यहाँ रखा है लोगों, और जो इसके बनने फेसिया वगैरह उसका काम करते हैं यहीं पर ही। तो फाइनली ये वाली एक्सटेंशन भी बालकों इस तरफ वाली होगी कंप्लीट। अब इसमें बच्चे डालने के लिए पर लेना। तो फाइनली हो गया ये वाला कंप्लीट। अब इसमें डालने को आगे दो पर्नल आएंगे और फिर ये वाला एक्सटेंशन वाला जो काम है बाहर वाला सारा हो गया कंप्लीट। एक तो बीच में बारिश आ गई, चक्कर में थोड़ा 1.5 घंटा काम रुक गया, लेकिन ये वाला काम तो हो जाता सारे पर्नल डाल के। तो अब जो सारा एक्सटेंशन वाला जो काम था ये वाली बालकनी हो गई और फ्रंट वाली वो वाली एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया आगे तक। तो चलते फिर अब यहाँ पर दिखा देगी आपको एक्सटेंशन, ये पूरी बालकनी होगी कवर ये नीचे वाली, उससे बाहर इस बालकनी से 1 फुट बाहर है।